दोस्तों आपकी एक गलती की वजह से आपका YouTube चैनल फ्यूचर में कभी भी हैक हो सकता है। इस वीडियो को मैं बहुत ही अर्जेंट में शूट कर रहा हूँ। बाहर बहुत ही तेज आंधी चल रही है और बारिश भी बहुत ही तेज हो रही है, लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। दोस्तों आप लोगों को पता कि नित्या का सपोर्ट चैनल आज हैक हो चुका है, ठीक है, जिस पर 90,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे। और चैनल हैक होने के कारण क्या है, क्योंकि हमारे जो बेस में हम स्टार्टिंग में गलतियां करते हैं उसी वजह से हमारे हैकर्स उन गलतियों को पहचान लेता है और हमारे चैनल को हैक कर लेता है। दोस्तों आपको मैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, उन गलतियों को अभी से स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि कोई भी हैकर होता है ना, हमें स्टार्टिंग से फॉलो करता है, हैक करना चाहता है, उसमें देखता है कि इसने क्या ऐसी मिस्टेक्स की हैं जिससे हम इसके चैनल को हैक कर सकें। तो गाइस यार आपको वो मिस्टेक्स नहीं करनी है। नित्या के सपोर्ट के बारे में पहले भी बता देता हूं कि अभी 90,000 सब्सक्राइबर्स थे और अच्छे खासे व्यूज आते थे, 25,000, 30,000 और 40,000, 50,000 तक व्यूज आते थे, ठीक है। बट गाइस इनसे पहले भी इनका एक और चैनल था जिसे यूट्यूब ने डिलीट कर दिया था। एक और चैनल था नित्या के सपोर्ट साथ था, इनका चैनल इसी प्रकार से नाम था कुछ, उस पर 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, उसको यूट्यूब ने डिलीट कर दिया था और अब इस चैनल को हैक कर लिया गया। गाइज उस बंदे से पूछे क्या गुजर रहा है, लेकिन स्टार्टिंग की हमारी जो कुछ गलतियां होती है उन्हीं गलतियों को हम नहीं ध्यान देते हैं, पैसे के लालच में हम गलतियां कर देते हैं और उसके बाद हम ये परिणाम भुगत देते हैं, लाइफ टाइम की अर्निंग वाला स्रोत उनका हमारा बंद हो जाता है। गाइज गलतियां सिर्फ यही है कि आजकल लालच बहुत ही मतलब एक अजीब चीज है। जैसे कि मान लिया अगर कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर के लिए देती है एप्लीकेशन का, हमारा प्रचार कर दीजिए, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, ठीक है, डाउनलोड करेंगे, आपको पैसा अच्छा मिला, जैसे कि किसी ने $1,500 दे दिया, आप कहेंगे फ्री में मिल रहा, केवल एक वीडियो बनाने का हमें $1,500, तो हम बना देते हैं, 50,000-60,000 रुपए मिल रहा है तो वीडियो बना देते हैं। बट गाइज उस एप्लीकेशन में एक्चुअल में होता क्या है, उसका जो आपका सारा एक्सेस होता है वो एप्लीकेशन वालों के पास चला जाता और आपका चैनल हैक हो जाता है। तो सबसे पहली गलती है कि जहां पर भी आप अपने चैनल को यूज करते हैं, अपना जिस भी डिवाइस में लॉगिन करके रखा है, वहां पर कोई भी ऐसा एप्लीकेशन मत लॉगिन करिएगा स्पॉन्सर वाला, उसके लिए आप अलग से काम एक लैपटॉप लीजिए, वहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू वीडियो को रिकॉर्ड करिए, वहां पर काम करिए, यह गलती कभी भी मत करिएगा फ्यूचर में, ठीक है। दूसरी गलती यह है कि आप स्टार्टिंग में कभी भी अपने जीमेल आईडी को कभी भी आप किसी भी वीडियो में धोखे से भी दे दीजिएगा, यह चीज हो गई। तीसरी बात यह है कहीं भी आपको किसी भी वेबसाइट या पोर्टल पर अपने चैनल के लिंक को नहीं डालना है, किसी भी नहीं ओपन करना है, ठीक है। जैसे कि मान लिया आपका जो चैनल है इस फोन में लॉगिन है, अब किसी ने आपके पास लिंक भेजा किसी कारणवश, मान लिया इंस्टाग्राम पर, आपने कहा देखे इसमें है क्या एक्चुअल में, तो आपका सारा एक्सेस उसके पास पहुंच जाएगा। ये गलतियां कभी मत करिएगा। आप यहां पर नित्या के सपोर्ट चैनल को सर्च करेंगे तो यहां पर एक टेस्ला नाम का शायद कुछ चैनल है, टेस्ला कंपनी के मालिक साथ उनका वीडियो शो हो रहा है यहां पर इस प्रकार से, और यहां पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना दिए, तो मेरे को लाइट नहीं था, मैं सोच रहा था कैसे बनाऊं, और आपके पास इंफॉर्मेशन जाना बहुत ही जरूरी है, तो फिर से मैंने कहा मैं चलिए भाई ऐसे ही बनाता हूं, आप ये क्वालिटी वगैरह अच्छी नहीं मिल पा रही होगी, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से। तो गाइस यार आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।